बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायला अली। नाज़रीन, आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब अहम दौरे पर बेल्जियम मौजूद थे, जहां उन्होंने अहम शख्सियात से मुलाकातें की। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मंडी बहाउद्दीन में जलसे आम से खिताब करते हुए इस बात का एतराफ़ किया कि नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त देकर हमने गलती की, क्योंकि उस वक्त हमें हकाइक गलत बताए गए। इसके अलावा लाहौर हाईकोर्ट से इस्लामाबाद हाईकोर्ट से नाकामी के बाद फैसल वावडर साहब ने नाअहली के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। समेत दिन भर जो अहम मौजूद रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नमस्कार। डॉक्टर साहब, वजीर आजम साहब बारहा इस बात का एतराफ कर चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर भेज कर उन्होंने गलती की और उनको हकायक गलत बताए गए। अगर वजीर आजम साहब को इस बात का इतराक है तो वजीर आजम साहब उस गलती को सुधारने के लिए कोई इकदाम क्यों नहीं कर पाए, या उनको वापस बुलाने के लिए नवाज शरीफ साहब को हुकूमत की क्या बस में नहीं, या हुकूमत करना नहीं चाहती, या हुकूमत कर नहीं पा रही? नहीं, अब मेरा ख्याल है कि इसमें काफी बात कर चुके हैं इससे पहले। नवाज शरीफ साहब के ऊपर ये बात मैंने कही थी कि नवाज शरीफ साहब एक मरकजी रोल होगा आने वाले दिनों में, उन पर नजर रखें। इमरान खान के खिलाफ जो भी मूव्स चलेंगी उसमें नवाज शरीफ साहब का इम्पोर्टेंट रोल होगा, और नवाज शरीफ साहब का इम्पोर्टेंट रोल इसलिए बना कि उससे पहले मैंने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब पे नजर रखें, और शहबाज शरीफ साहब ने वो रास्ता क्लियर किया नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने का। और ये उस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ, जो भी नाज़रीन इस प्रोग्राम को देखते हैं, जब भी सारी शख्सियात जो है वो जेलों में थी, पाकिस्तान में थे और जेलों में थे, उस वक्त की बात हुई थी। बहरहाल मैं उस गुजरी बातों को दोबारा यहाँ पे क्लिप्स वगैरह प्ले करके वक्त का ज़िया नहीं चाहता। मैं आपको सिर्फ दो तीन बातें बताऊं। पहली बात तो ये है कि जब मैंने ये बात कही थी कि इमरान खान साहब असेंबलीज तोड़ने का सोच रहे हैं, तो इमरान साहब ने उसके बाद असेंबलीज तोड़ने के तरफ पेशरफ्त भी की, उन्होंने बात डिस्कस भी थी की, अपनी कानून टीम से मुशावरत भी की, बाकी सब कुछ भी किया। हालिया कुछ अरसे में, यानी आज से एक महीने पहले भी इमरान खान साहब ने जब ये सोचा कि उनको असेंबलीज तोड़ देनी चाहिए, तो मतलब ये ऐसा नहीं हो रहा कि मैं कह रहा हूँ कि ये असेंबली तोड़ने का सोच रहे हैं, नहीं, उन्होंने जब वो अमली कदम को उठाते हैं ना कि डिस्कस करते हैं अपनी लीगल टीम के साथ या बाकी लोगों के साथ, उन्होंने डिस्कस किया इस बात, और जाहिर है इस बात की कोई तरदीद नहीं कर सकता। तीसरी जो बात है वो ये है कि अब भी इमरान खान साहब के जहन में ये बात है कि असेंबलीज को डिसॉल्व किया जाए, या देखिए आज उनका जो खिताब था उसका मैंने कुछ हिस्सा भी सुना जो उन्होंने मंडी बहाउद्दीन में खिताब किया खान साहब ने। पहली एक तो बात यह है कि बहुत अच्छा कदम आज उठाया, मुल्की मईशत जो है वो बड़ी दगरगूं किस्म की मुल्की मईशत भी है और दुनिया के हालात भी बिगड़ते जा रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ, उसमें मैं भी आता हूँ चंद लम्हात में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक बड़ा अच्छा कदम वजीर आजम साहब सोच रहे हैं और शायद उस पर भी अमल दरामद करें, और वो ये है कि जो कम से कम तनख्वाह है उसको बढ़ा दिया जाए, उसको जो है वो मिनिमल वेज का जो कॉन्सेप्ट है वेस्ट के अंदर कि उससे कम तनख्वाह नहीं होनी चाहिए, वो तनख्वाह बढ़ा दें। और दूसरी बात ये कि शायद ये जो जिन लोगों के पास मोटरसाइकिल्स हैं पाकिस्तान में, उनके लिए जो पेट्रोल की और जो कीमत है वो शायद मुख्तलिफ करने की एक तजवीज़ भी वज़ीर आज़म सोच रहे हैं, तो ये शायद वो रिलीफ के ऊपर अमली इकदाम उठाएं। ये मेरे ख्याल से इन हालात में एक बड़ा स्टेप होगा अगर इसको वजारत खजाना आगे जाने देती है और IMF इस पर कोई शोर शराबा नहीं करती, तो ये बहुत अच्छा कदम होगा। और उसके बाद तो एक ये बात होगी। दूसरी जो बात है, आज जो उनकी जलसे की जो स्पीच मैं सुन रहा था तो उसमें उन्होंने दो तीन बातें की। पहली बात तो उन्होंने ये बात कही कि ये नवाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा कि मैं बाहर, मुझे पता होता कि ये मैं इसको बाहर नहीं जाने देता, मुझसे ये बात ये गलती हुई कि उनको बाहर जाने दिया। अच्छा, उनको बाहर जाने के हवाले से इमरान खान साहब जाहिर है कि काबीना का इजलास था, उसमें डिस्कशन हुआ, मैं उस किस्से में जाए बगैर आगे की बात करता हूँ ना कि अब इमरान खान साहब ये बात क्यों कर रहे हैं। पहली बात यह कि उनको इस बात का हक हुआ है कि नवाज शरीफ साहब जो है इस दौरान खामोशी से अपना कोई ग्राउंड वर्क कंप्लीट कर चुके हैं, ये इमरान खान साहब को इतला है इस बात की। और दूसरी उनको इतला इस बात की है अच्छी तरह कि उनकी टीम जो है, उस टीम के अंदर जो लोग हैं वो कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर वो एतबार कर सकते हैं और कौन से लोगों पर एतबार नहीं कर सकते, ये नाम अब उनके जहन में है। और जब जाहिर है कि ये बात जब चल रही है तहरीक अदम एतमाद की, तो आज उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि सारे प्लान जो है वो उनका मुझे इल्म है,
ये बहुत एक इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बात उन्होंने की। इससे पहले तो ये था कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन आज उन्होंने पहली दफा ये बात कही कि कुछ हो रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे सारे प्लान्स का उनके इल्म है और मैं उनका तोड़ करना भी जानता हूं। अच्छा, अब ये बात इंटरेस्टिंग है कि इसका मतलब है कि वजीर आजम साहब को इल्म है, जो बात मैं बहुत दफा कहता रहा हूं कि उनको इल्म इस बात का। और अगर तहरीक अदम एतमाद लेकर आते हैं तो उसमें इनके कौन कौन से पार्टी के लोग जो है वो दूसरी तरफ जा चुके हैं। इनकी देखें, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि वज़रा तो हैं, वज़रा तो वो हैं जो कि माइनस वन के चक्कर में लगे थे, जिनको इमरान खान साहब ने टोस्ट कर दिया था। और वो माइनस वन इमरान खान साहब ने फ्लोर पे खड़े होकर कहा था कि इनमें से किसको किसको बनाओगे, मेरे मुझे हटा के किसको लेकर आओगे। तो एक बात चली थी, वो बात अब नहीं है बहरहाल। लेकिन वो जो वज़रा है वो बात बात तो कर लेते हैं उसमें से कुछ, लेकिन वो इमरान खान साहब को अच्छी तरह से इल्म है कि वो उनके साथ नहीं है, दिल से साथ नहीं है। कुछ वज़रा इनकी जो कोर कोर ग्रुप है इनका, वो इनके साथ है, लेकिन खान साहब जो है वो उन्होंने भी अपने पत्ते जो है वो बड़े छाती से लगा के रखे हुए खान साहब ने। अच्छा, एक तो बात ये हो गई, तो अब एक तो ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि इससे ये उनको मशवरा जिस किसी ने दिया है, मैं अपनी इस राय पे कायम हूं और इस पे कि ये जो मशवरा दिया है कि जी मजीद लोगों को वजारतें दे दी जाएं, मजीद लोगों को मुशीर बना लिया जाए, नहीं, इससे ये तो मेरा ख्याल है कि फिर ये तो बहुत ही अजीब सी बात हो जाएगी कि और वजारतें बढ़ा दी जाएं और लोगों को पंजाब के अंदर वजारतें मुशावरतें। मेरे ख्याल के इमरान खान सबको इस वक्त करना चाहिए। एक काम तो ये है कि जो मैंने आपसे पहले कहा ना कि ये तहरीक अदम एतमाद जब आती थी बेनजीर भुट्टो साहबा या नवाज शरीफ साहब के दौर में, तो उसके बाद उन्होंने तरीका ही अपना लिया था कि वो पहले इस्तीफे ले लेते थे या वो पहले जो है वो टिकट देने से पहले इस्तीफे लेके रख लेते थे या ये कि हलफ उठा लेते थे। खान साहब को ये चाहिए कि जरा अपनी पार्टी के वो जो लोग हैं सारे, एक पार्लियामानी पार्टी या अलग अलग एमएनए से मिलें इस मरले पे और उनसे उनसे कहें कि मेरे साथ अगर हो तो ये जरा अपनी रेजिग्नेशन पे साइन कर दो, ठीक है, बवक्त जरूरत में इसको। ये हुआ था, ये बेनजीर भुट्टो साहब कर चुकी है, नवाज शरीफ भी कर चुके हैं, इसलिए उनको ये चाहिए कि वो एक अपने लोगों से कहेंगे जरा रिजाइन कर दो और डिजाइन करके अपने पास रख लें जेब में। क्योंकि वो देखें एन वक्त के ऊपर लोगों ने जो आठ आठ नौ नौ जगह पर, और इमरान खान साहब ने आज की बात बदल कही है, लेते हैं बदल नहीं, वो ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं। अच्छा, मैंने ऑपोजिशन के लोगों से आज पूछा, मैंने कहा जी ये तहरीक अदम एतमाद की तरफ वो तेजी से काम कर रहे हैं, तो मैंने कहा जी ये आपके पास क्या है, मतलब क्या गारंटी है इस बात की। तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा जी हमारे पास जो भी बंदा के बात कर रहा है या हमसे रब्ता कर रहा है और या जिसने हमसे बात की है, हमारे पास इस बात का प्रूफ है। अब वो किस फॉर्म में है प्रूफ, वो उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किए हैं या क्या किया खुदा जाने, वो कहते हैं हमारे पास सबूत है इस बात का कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ बात कर रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि हमें टिकट दे दें। अच्छा, अभी ब्लफ भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन वॉर भी हो सकती है, लेकिन असल बात यह है कि देखें जब तक कोई तहरीक सामने पेश नहीं होती उस वक्त तक हम नहीं कह सकते कि क्या होगा। और लेकिन कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जिसके बारे में इमरान खान साहब ने आज खुल के कहा कि मुझे तुम लोगों के प्लान्स का इल्म है और मैं उनका तोड़ करना भी जानता हूं। तो ये बात एक इंपॉर्टेंट है कि इसका मतलब है कोई ऐसी प्लानिंग्स हैं जो कि इमरान खान साहब के इल्म में है बतौर वजीर आजम और वो उसका तोड़ भी करने का सोच रहे हैं। तो आने वाले दिनों में मैंने आपसे कहा ना कि तहरीक अदम एतमाद पेश करना भी एक मुश्किल अमर होगा ऑपोजिशन के लिए, लेकिन वो इस बात के ऊपर जो है वो कहते हैं हमारे नंबर्स पूरे हैं और हमारे पास, मतलब वही बड़ी बात है ना कि जो खान साहब हैं, खान साहब को अपने लोगों को और खासतौर पे जितने भी MNAs हैं उनको बुला के एक दफा उनसे कहना चाहिए यार अगर साथ हो तो साथ हो, फिर लिख दो, इस पे लिख के हलफनामा दे दो या जो भी है अपना इस्तीफा लिखवा दो या जो भी करना करो। एंड वक्त के ऊपर ये ना हो कि कौमी असेंबली में किसी कोई बीमार पड़ जाए, कोई बाहर का कोई दौरा निकल आए, कोई ये हो जाए, कोई वो हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब को मेरे ख्याल से ये करना चाहिए जो अब अपोजिशन ने शुरू कर दी है। वो मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं कि जो जिनके हमसे कमिटमेंट्स हैं उनके हम कमिटमेंट्स हम उनसे कमिटमेंट्स ले रहे हैं,
कि और उनका एक तरीका कार रहा है माजी में जो मैंने बयान किया, लेकिन इमरान खान साहब के पास कोई, खान साहब के तो यहां तक सूरत हाल बनी हुई है कि अगर एक वजारत आप तब्दील कर दें किसी एक वजीर की तो वजीर छोड़ देगा। तो मतलब तो वो इस हद तक खान साहब को उनके कुछ वजरा ने तंग किया हुआ है कि वो खान साहब ने दरमियान में सोचा था कि मैं वजारतें कुछ ऊपर नीचे करूँ, लेकिन उसके बाद उन वजीरों ने सिग्नल दिया कि जी हमारी वजारत मत छूइएगा, हाथ ना मतलब इस तरफ ना आइएगा। उन्होंने इनडायरेक्टली ये मैसेज दिया कि हम फिर वजीर नहीं, मतलब हमें ना ही दें कोई वजारत तो बेहतर है। तो ये मेरे ख्याल से, लेकिन ये कि खान साहब को ये जो आज दो बातें हो रही हैं ना कि एक तो ये कि वो मोटरसाइकिल पे जो पेट्रोल लेने हैं उनके लिए कोई रिलीफ, और वो सेहत कार्ड के अंदर वो कुछ और अद्वियात को कुछ और चीजों को भी ऐड करने जा रहे हैं जो पहले नहीं थे खाली में। तो ये मेरे ख्याल से ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर नजर रखनी चाहिए, और ये भी कि जो प्लान्स बन रहे हैं वो उनके इल्म में हैं। अब इसके ऊपर अगले 2-3 दिन में क्लैरिटी आ जाएगी। ऑपोजिशन के लिए भी बड़ा जरूरी है हो गया अब कि वो भी इसके ऊपर खुल के बात करें, और यकीनन वो बात करेंगे। अच्छा, मैं मुल्की सियासत पे जरा दोबारा बात करते हैं कुछ देर में, लेकिन कुछ गैर मुतवक्को तौर पे ये जो यूक्रेन का मामला है ये बद से बदतर होता जा रहा है। यहाँ म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, और म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है 1963 से हो रही है, और सर जंग के दौर से, और एक बड़ा एक जबरदस्त फोरम है, और उसमें शिरकत के लिए यहाँ पर जो है ये कैमला हैरिस भी हैं, सेक्रेटरी ब्लिंकन भी हैं, कई मुल्कों के वज़रा खारजा हैं, सब कुछ है। G7 का हो रहा है साइड पे, G7 कि वज़राए खारजा का, G7 से मतलब ये है कि आप यूं समझिए जी, ये G7 भी कमाल प्लेटफॉर्म है दुनिया का। G7 जो है ये 7 मुल्क हैं, और इसमें बरतानिया, अमेरिका, इटली, फ्रांस और जापान है, और बाकी मुल्क हैं, लेकिन असल जो बात है वो ये कि 7 मुल्क हैं और इनके पास दुनिया की आधी दौलत है। तो फीसद आबादी दुनिया के लिए दौलत आती है, तकरीबन 50% वेल्थ इनके पास है, और 10% पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की। G7 ममालिक इनको कहते हैं ये, और इसमें इसको G8 बना दिया था एक जमाने में 97 में, इसमें रशिया को भी इन्वॉल्व कर लेकर आ गए थे, ये G8 बन गया था जी। लेकिन फिर उसके बाद 2014 में जब ये क्रीमिया वाला वाकया हुआ, क्रीमिया वाला और यूक्रेन वाला, यहाँ पर दो बातें हुई हैं। एक तो ये है कि अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि 1,90,000, पहले कहा जा रहा था कि 1.5 लाख फौज है, 1,30,000, अब कहा जा रहा है कि 1,90,000 फौज है यूक्रेन को जिसने घेरा हुआ है। दूसरी जो बात है, जो बात बड़ी खौफनाक है, वो ये एक तो ये बात उन्होंने अमेरिकन ने कही है कि 1,90,000 फौज है, यानी फौज कम नहीं हो रही यूक्रेन की, बल्कि रशिया उस फौज को बढ़ा रहा है, नंबर वन। ये बात बड़ी परेशान कुन बात है। दूसरी जो परेशान कुन बात है वो ये है कि जो दोंस्टेक का इलाका है, दोंस्टेक का वो इलाका है, दोंस्टेक और लियोनस्टेक, जिस जो के जो हमेशा मैं कहता हूं कि जो के मशरकी यूक्रेन में, और ये यूक्रेन को हम डिस्कस कर रहे हैं तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 1 साल से ज्यादा अर्सा हो गया जब से यूक्रेन को हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये एक इवेंट बिल्ड हो रहा है। अच्छा, तो यूक्रेन का जो मशरकी इलाका है वहां पर मतलब आप यूं समझिए कि एक तरह से जंग शुरू हो गई, झड़पें शुरू हो गई हैं। एक मशरकी यूक्रेन जो कि प्रो रशियन है, और मगरबी यूक्रेन जो कि प्रो वेस्ट है। अब इनके दोनों के दरमियान झड़पें शुरू हो गई हैं। अच्छा, और ये जो क्लैशेज हैं, अब इन क्लैशेज के दरमियान जो मशरकी यूक्रेन है जहां पे दो रियासतें हैं, और तो वहां पर ये कहा गया है उनके जो रहनुमा हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि जी यहां से आबादी जगह खाली करते। अच्छा, आबादी जगह खाली करते का मतलब ये होता है कि इसका मतलब है कि जो यूक्रेन है, यानी जो मगरबी यूक्रेन है, इनके दरमियान गोलाबारी शुरू करे, यानी मशरकी यूक्रेन, और मशरकी यूक्रेन ये कह रहा है जो कि प्रो रशियन है, वो कह रहा है कि यूक्रेन जो कि मगरबी यूक्रेन है वो हमले कर रहा है, और यहां से कहा जा रहा है कि जी इधर से हमले हो रहे हैं, यानी प्रो रशियन फौज जो है वो हमले कर रही है वहां पे। तो एक तरह से आप समझिए कि यूक्रेन में इस वक्त लड़ाई शुरू हो गई है, ठीक है ना, और ये बड़ी बड़ी अफसोसनाक बात है। और इसको अगर हम देखें यहां पर, तो हम यहां पे कोट कर देते हैं, और हम कोट कर सकते हैं इसमें, हम न्यूयॉर्क टाइम्स को कोट कर देते हैं कि आर्टिलरी एक्सचेंजेस इन ईस्टर्न यूक्रेन में प्रीसेज इन्वेजन यूएस वॉन्स के। अच्छा, यूएस अमेरिकन का ये कहना है कि ये जो मशरकी यूक्रेन से जो गोलाबारी हो रही है, मशरकी यूक्रेन से गोलाबारी हो रही है, और मशरकी यूक्रेन से जो गोलाबारी हो रही है तो मशरकी यूक्रेन वो है जो मॉस्को
रशियंस हैं और रशियंस से वो कह चुके हैं कि हमें आप तस्लीम करें, हमें आप, और प्रो रशिया और रशिया कह चुके हैं कि कल को रशियंस को कुछ होगा तो रशिया हमारी मदद के लिए आएगा, यानी रशिया में ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा, अब यहां पर यूक्रेन जो है, यहां पर यूक्रेन है जो कि मुकम्मल दारोमदार जिसका मगरब के ऊपर है, वेस्ट के ऊपर है, नेटो के ऊपर है, जी लेकिन नेटो वहां पर फौजें भेज नहीं सकता, ठीक है, नेटो वहां पर फौजें भेज नहीं सकता क्योंकि वो नेटो का मेंबर नहीं है यूक्रेन। अच्छा, अब यहां पर इसी दौरान एक तो ये कि झड़पें शुरू हो गई हैं और 1,90,000 की फिगर आ गई है कि 1,90,000, ये मैं बीबीसी को कोट कर रहा हूं, यहां पे बीबीसी कह रहा है कि रशिया हैज अप टू 1,90,000 ट्रूप्स नियर यूक्रेन बॉर्डर। तीसरा इशू इस बीच में खराब हो रहा है बीच में, वो ये हो रहा है कि यानी जो मजीद तल्खी पैदा कर रहा है वो ये पैदा कर रहा है कि कल रशियन प्रेसिडेंट जो है वो बड़े अरसे के बाद या हालिया तारीख में, तो इस तरह से मेरा ख्याल है कि उन्होंने अनाउंसमेंट्स नहीं की, लेकिन कल जो है वो वहां पर जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस हैं, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की एक्सरसाइजेस का वो मुआयना करने जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस यानी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस को अब इस तरह से समझ लें, समझें कि जो रशिया के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर फोर्सेज हैं, उनकी जो एक्सरसाइजेज हैं उनका वो मुआयना करेंगे, ठीक है स्ट्रेटेजिक डिफेंस फोर्सेस का, और वो कंट्रोल रूम से मुआयना करेंगे, और उस मरले पे बहुत बड़ी तादाद में जो है वो वहां पर बैलिस्टिक का तजुर्बा होगा। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस मरले पे रशिया अपने बैलिस्टिक और न्यूक्लियर मिसाइल्स का तजुर्बा करने जा रहा है कल, और ये उस मरहले पे करने जा रहा है जब 1,90,000 फौज होने का अमेरिका जो है और नेटो के मुल्क कह रहे हैं कि 1,90,000 फौज है वहां पर। अच्छा, ये अब झड़पें शुरू हो गई हैं ईस्टर्न यूक्रेन में और जो वेस्ट यूक्रेन है, रिपब्लिक ऑफ यूक्रेन है उसके दरमियान, और ईस्टर्न यूक्रेन से वो कह रहे हैं कि जो शहरी हैं वो यहां से छोड़ के चले जाएं, मॉस्को की तरफ चले जाएं क्योंकि यहां पे जंग का खतरा है। अच्छा, वेस्टर्न कंट्रीज ने अपने सफारतकारों को वापस बुला लिया है यूक्रेन से, क्यों बुलाया है ये भी एक राज है, फिर उनके पास ऐसी कह दिलाए कि उनके सारे ही लोग चले गए हैं, थोड़े से लोग वहां पे बचे हैं, थोड़े से सफारतखानों में। अच्छा, अब यहां पर दो तीन चीजें बड़ी खराब हैं, खराब ये हैं, जो अच्छी अच्छी वाहिद अच्छी खबर आ रही है दरमियान में वो ये आ रही है कि अगले हफ्ते, अगले चंद दिनों में फिर सेक्रेटरी ब्लिंकन और सर्जेई लेवरोव जो हैं उनकी मुलाकात यहाँ यूरोप में होने जा रही है गालिबन, यानी लेकिन उससे पहले ये एक्सकलेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि देखें ये जब ये जंग शुरू हो जाती है ना, जंगें शुरू हो जाती हैं एक दफा, और ये जहां तक अभी अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद या 1939 के बाद ये सबसे बड़ा बिल्डअप है रशिया का, 1939 के बाद इतना बड़ा, इससे बड़ा कोई बिल्डअप नहीं हुआ। अब ये एक सवाल है कि ये यूरोप है या रशिया है, या रशिया यूरोप का हिस्सा है या यूरेशिया है या क्या, इसके ऊपर बाद में बात करते रहेंगे, और कल भी थोड़ी सी मैंने बात की थी, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं कि इसमें असल इशू है ना वो ये है कि एक जो मैंने लोगों से पूछा, मैंने कहा जी आपकी तरफ से ये इंटेलिजेंस की जो इतला थी कि 16 तारीख को अमेरिकन इन्वेजन होगी, तो 16 तारीख तो गुजर गई, तो ये किस हद तक ये मुनासिब है अमेरिका के लिए या वेस्ट के लिए कि वो एक डेट अनाउंस कर देते हैं, उन्होंने डेट अनाउंस, और हालिया दिनों में आपको पता है कि ये इंटेलिजेंस के हवाले से वैसे ही एक मजाक उड़ाया कि जो अफगानिस्तान में आपने क्या किया, उधर क्या किया, उधर क्या किया, तो हर जगह इंटेलिजेंस फेलियर होता जा रहा है बड़े बड़े पैमाने पे, तो ये आपको क्या डेट अनाउंस करनी चाहिए थी, इसका मजाक उड़ा रहा है रशिया बैठ के कि जी हम तो इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पे तो कोई इन्वेजन हुई नहीं आपकी, तो वो बात उन्होंने उनका जो एक संजीदा दो तरह से सोचे हैं इस वॉशिंगटन में, एक सोच ये है कि जी वो हमारा दुश्मन जो है ना असल में चाइना है, दूसरा ये है कि यूरोप है। अच्छा, जो ओल्ड जो पुरानी सर जंग के जो लोग हैं ना वो अभी तक उनको उनके आप समझ लें कि दिहाड़ियां या मजे लगे हुए हैं इसी में कि वो रशिया पे बोलें, वो यूरोप पे बोलें, वो पुरानी सर जंग में चले जाएं, वो अभी तक इंडो पैसिफिक को हजम नहीं कर पा रहे। आप यकीन करें कि बहुत ज्यादा अगर लोगों से आप बात करें ना कि यार चाइना या इंडो पैसिफिक या इधर फिलीपीन के, वो कहते हैं यार एक मिनट है, वो उनको इसमें बड़ा मजा आता है क्योंकि इसके इसमें बहुत सारे बाबे और बाबी आपको मिल जाएंगे जो माहिरीन है पुरानी सर जंग के, वो सब निकल के आ गए जी हमने ये किया था, हमने वो हम वॉर्सो पैक्ट के दरमियान वॉर्सो पैक्ट ये था तो स्टालिन ये था तो रशिया, क्योंकि वो यहां पर जो गेम है वो उन्होंने देखा हुआ है।
वो जो नया गेम शुरू होना है, जो इंडो पैसिफिक जहां अमेरिका जाना चाहता है बुनियादी तौर पे, वो जरा बोरिंग है कि यार इंडोनेशिया का क्या, अब इंडोनेशिया को समझे वहां पे मतलब क्या है, मतलब ये तो मतलब उधर जो है ना वो जजायर वजायर ये वो, तो एक तो उनकी नेशनल स्ट्रेटेजी है आने वाले अरसे की कि असल असल दुश्मन हमारा चाइना ही है, लेकिन दिल उनका यही लगा हुआ है यूरोप में कि इसी यहीं पर कुछ होता रहे, यहीं पर जो है वो मतलब हमारा एक ट्रांसअटलांटिक मामला चलता रहे, हालांकि फड्डा जो है वो ट्रांस पैसिफिक है। अच्छा, लेकिन इसमें अब जो मैं बात कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि असेसमेंट्स, क्या असेसमेंट गलत हो रही है? देखिए प्यूटिन के बारे में ये एक असेसमेंट थी, मैं आप ये तो पहले बता चुका हूँ, रशिया के बारे में असेसमेंट थी कि 1907 में खत्म हो गया जी जापान के हाथों, फिर 1907 में बिल्कुल ही खत्म हो गया, फिर 1990 में खत्म हो गया, फिर ये इसी तरह से ये असेसमेंट जो है ना ये 2014-15 में भी थी। मैं आपको बताऊं 2015 में ये असेसमेंट थी, प्रेसिडेंट ओबामा थे तो उन्होंने कहा कि ये गलती है कि प्यूटिन सीरिया में आ गए, क्योंकि सीरिया में क्वागमार हो गए, सीरिया में फंस गए, दलदल में फंस गए, वो इससे बड़ी कोई संगीन गलती हो ही नहीं सकती कि रशिया जो यहाँ आ गए, रशिया में रशिया फंस गए, और यहाँ से आप देखें ये तो प्यूटिन के लिए दूसरा अफगानिस्तान बनेगा, यानी कोल्ड वॉर वाला। लेकिन आप ये देखें कि प्यूटिन जो है ना सिर्फ सरवाइव कर गया मिनिमल कॉस्ट के साथ, कम से कम खर्चा हुआ उसका, एक्सपेंडिचर हुआ फौजी भी और मईशत के हवाले से भी, और ना सिर्फ वो सरवाइव कर गया मिडिल ईस्ट में, बल्कि उसने बशारुल असद को भेजा के डायनेमिक्स चेंज कर दी। बशारुल असद जगह सरवाइव कर गए, हाफिजुल असद उनका बेटा बशारुल असद, और ऐसे मिडिल ईस्ट में सरवाइव कर गए जहां ना गद्दाफी है तो ना हुस्नी मुबारक है तो ना जो है वो बड़े बड़े वहां पे जो है वो तख्त गिर गए लोगों के, लेकिन ये भी सर्वाइव कर गया। अच्छा, उसके बाद बशारुल असद के सर्वाइव करने से ये हुआ कि उसके बाद फिर वो प्यूटिन आगे बढ़ा, प्यूटिन अब जो है वो लीबिया में, उसके बाद जो है वो आप समझे कि इसराइल तक, उसके बाद जो है वो लेबनान में, उसके बाद वो अफ्रीका में, तो प्यूटिन तो आगे बढ़ता चला गया, और वो ऐसा उसके बाद वस्ती एशिया में, वो वस्ती एशिया जहाँ पे अमेरिका बैठा हुआ था अफगानिस्तान की वजह से, वो वस्ती एशिया वो अमेरिका वहां पे जितने स्थान हैं वो तो डरे से में बैठे हुए सीएसटीओ को मेंबर बन के, और वो तो टोटल जो प्यूटिन का इस वक्त जो स्टाइल या जो भी जिस अंदाज में प्यूटिन बातचीत कर रहा है, ये वेस्ट के अंदर कैलकुलेशन ये थी कि वो इस वक्त तक जो है वो झुक जाएगा प्यूटिन, लेकिन प्यूटिन नहीं झुक रहा, प्यूटिन अभी तक वो किस जगह पे जाता है। देखिए बदकिस्मती ये है कि इसमें यूक्रेन आ गया है दरमियान में, यूक्रेन एक बड़ा खूबसूरत मुल्क है, बड़े अच्छे लोग, लेकिन मुसीबत ये है कि अब इसमें ये दरमियान में रियासत आ गई अपनी ज्योग्राफी की वजह से, पोलैंड में, और मुझे नहीं पता फिनलैंड और स्वीडन, स्वीडन जो है नेटो का मेंबर बनते हैं नहीं बनते हैं, लेकिन जो पोलैंड है वहां तो मुस्तकिल जाहिर है नेटो की फौज है, तो अब अमेरिका रहेगा तो मुझे बताएंगे तो चाइना में क्या होगा, तो इंडो पैसिफिक ताइवान को कौन बताएगा, यहाँ अमेरिका जो है यह एंगेज हो गया है, और इसके बारे में बाकायदा ताइवान की तरफ से, मैं साउथ चाइनीज मॉर्निंग पोस्ट को यहाँ कोट कर देता हूँ, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने बाकायदा ताइवान की तरफ से उनकी उनके जो मिनिस्टर्स हैं उनकी जो कैबिनेट है उनके लोग ये बात कर रहे हैं बार बार कि उन्होंने पहली मरतबा, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ये कह रहा है कि हमने पहली मरतबा यहाँ पर जो है वो एंटी सबमरीन जो कि हमारे एयर डिफेंस जोन में दाखिल हो रहे हैं पीएलए के, लेकिन मसला बात सारी ये है कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर प्यूटिन बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, अब एक तरह से आप समझ रहे कि वो एक टेंस माहौल होता है ना, वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है कि जी हमें कोई जवाब नहीं मिला, तहरीरी हमें कोई जवाब नहीं मिला, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, अगले हफ्ते फिर मुलाकात, इस दौरान यूक्रेन में झड़पें जो। अच्छा, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि ये देखें यूक्रेन तो एक तरह से सैंडविच बन गया ना बीच में, खूबसूरत सा मुल्क, के अंदर ये दुनिया कि कब्जा है, सच कब्जा हो यूक्रेन के अंदर, फर्ज करें अगर हुकूमत तब्दील हो जाए, बगावत हो जाए, कोई फौज लग, तो मुझे बताएं कि यूरोप आज तो जेलेंस्की की वजह से बात हो रही है ना, अगर वो वहां पर तख्ता उलट जाए, जिसके बारे में प्रेसिडेंट बाइडेन भी बात कर चुके हैं, अमेरिका भी और बाकी भी, कि वहां पर रिजीम चेंज हो सकती है, गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, तो अब फर्ज करें गवर्नमेंट चेंज हो जाए वहां पे अंदरूनी तौर पे, जो वो कह रहे हैं कि जी रशिया वहां पर बगावत करवाना चाह रहा है, तो फिर नई गवर्नमेंट को क्या वेस्ट मानेगा, नहीं मानेगा, क्या नई गवर्नमेंट अगर प्रो मॉस्को गवर्नमेंट आ गई तो क्या उसको नेटो मानेगा, नहीं मानेगा, क्या उसको ब्रसल्स मानेगा, नहीं मानेगा, क्या उसको वॉशिंगटन डीसी नहीं मानेगा, तो आप यूं समझें कि प्यूटिन के पास बहुत सारे पत्ते ऐसे हैं कि जो प्यूटिन प्ले कर रहे हैं। अच्छा, टर्की का रोल इसमें आने वाले दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट हो गया, टर्की उसकी वजह यह है कि टर्की जो है वो हो सकता है आने वाले दिनों में मजीद
आपको अमेरिका की तरफ ही, नेटो की तरफ जाता है, यूरोप की तरफ जाता होने दे रहा है, ठीक है ना। टर्की, क्योंकि टर्की का पहले भी जब सर्द जंग थी तो टर्की का बड़ा कलीदी किरदार था, अभी भी टर्की नेटो का मेंबर भी है, यूक्रेन के साथ डायरेक्ट जो है उनका एक दिफाई पैक्ट वगैरह भी है। लेकिन जो प्यूटिन है, अच्छा चाइना जो है ना इस वक्त, चाइना के आप समझें कि इस वक्त चाइना के तो कहते हैं ना कि मजे आ गए चाइना के, क्योंकि वो प्यूटिन ने ही इंगेज कर लिया यूक्रेन में पूरे अमेरिका और पूरे वेस्ट को। अभी तो फॉरगेट कि चाइना कहां से निकलेगा, शी जिनपिंग का क्या करेगा, वो छोड़ें आप, अभी तो ये गैर मुतवक्को तौर पे, अच्छा ये अगर आप फौजी भेजते जाते हैं, आप भेजते जाते हैं, यहां पर आप करें पोलैंड में अपने 1,000 फौज और भी, अभी तो निकले अफगानिस्तान से, आप यकीन करें दुनिया अमन चाह रही है, पीस चाह रही है, सुकून से हमें साल 2 साल 5 साल 10 साल हमारी मईशत सेट हो जाए, हमारे हमारे कारोबार ठीक हो जाए, हमारी नौकरियां ठीक हो। अभी देखें यूके के अंदर वो एक तूफान आया हुआ है, वहां पे से एयरपोर्ट वगैरह बंद हो रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या, बहुत सारी आफतें भी है, लोग ऐसे तक खुल रहे हैं इससे कि यार कोविड से हम किसी तरह मास्क के बगैर भी हम जा सकते हैं बाहर, हम ये भी कर सकते हैं, वैक्सीन लाना डे, अब बीच में ये जंग आ गई, लोग पीस चाह रहे हैं, और जो विक्ट्री होती है वो कभी परमानेंट नहीं होती, लेकिन उनको ये भी पता है। लेकिन अमेरिका के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये यूरोप, अगर देखिए यहाँ यूरोप में तय होने जा रहा है, यूरोप में फ्यूचर तय होने जा रहा है और यूरोपीय यूनियन का, और साथ उसकी उनकी इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उसमें भी ये बहुत अहम है, क्योंकि अगर तो देखिए ना जर्मनी है या फ्रांस है, बाकी मुल्क हैं सारे, उनकी एक इंटरनल डायनेमिक्स भी है, एक तो यूरोप एज अ सच है जिसका मुझे नहीं पता कि क्या यूरोप कहाँ खत्म होता था, तारीखी तौर पे कहाँ खत्म नहीं होता था, अगर आप यूरोप के अंदर, तो जैसे मैंने कहा ना दो मुल्क तो यूरोप के अंदर डिवाइड है, एक टर्की भी यूरोप के अंदर है और आधा एशिया में है, और रशिया भी जो है यूरोप में भी है और उधर भी है, तो ये एक ही कॉन्टिनेंट के तौर पर अगर आप इसको यूरेशिया के तौर पर लेते हैं, अब आने वाले दिनों के अंदर सबसे, उसी दौरान कल प्यूटिन अपने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स का तजर्बा करने जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि एलेक्जेंडर लुकाशेंको जो हैं बेलारूस के, क्या उस उनके साथ होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये बहुत बहुत बड़ी बात कंप्लीट इस टेंस माहौल में, जबकि यहाँ पर नेटो के लोग जमा है, जैसे ऑस्टिन लॉयड पोलैंड में थे, उन्होंने पोलैंड में कहा कि हम एब्रम टैंक्स 250 एब्रम टैंक्स और दे रहे हैं पोलैंड को, पोलैंड जो है बिल्कुल आपको पता है जहाँ वॉर्सो जहाँ का दारुल है, पोलैंड बिल्कुल साथ है रशिया के, तो वो वहां पर इसी दौरान आप कह रहे हैं कि जी हम तो यहाँ पर मजीद ड्रिल्स के अंदर जो है वो कल कल यानी 19 तारीख को बैलिस्टिक मिसाइल्स और उसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, और प्रेसिडेंट पुटिन उसको खुद ऑब्जर्व करेंगे, तो ये और फिर ये झड़पें जो शुरू हो गई हैं आपस में, ये जो ठीक बदकिस्मती से यूक्रेन, या तो यूक्रेन देखिए ऑलरेडी तो तकसीम है, या तो यूक्रेन तकसीम हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन को तकसीम हो जाएगा और फिर वो, या ये है कि वो फेल्ड स्टेट की तरफ अल्लाह ना करे, लेकिन क्या यूरोप इस बात का मुतमिल हो सकता है, या खुद रशिया भी हो सकता है कि क्या वो वहां पर जो है वो, अब आप देखें ना आज जो है फिर प्रेसिडेंट बाइडेन की फिर बात हो रही है, प्रेसिडेंट मैक्रों से, यूके के प्राइम मिनिस्टर से, ठीक जर्मन है चांसलर से, वो फिर टेलीफोन पे बात करें, पाकिस्तान की मैं आपको बताऊं, जो आपने बात की आर्मी चीफ के वाले, जो गालिबन आर्मी चीफ जो है जनरल बाजवा, जो बाजवा साहब, वो गालिबन अमेरिका निकलेंगे यहाँ से, अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ जो इतलात है वो ये कि अमेरिका की तरफ से जा रहे हैं, अमेरिका का दौरा करेंगे, यूरोपीय यूनियन में उनकी मुलाकातें हुई हैं, उसके बाद शायद वहां जाए, और फिर ये दिन होंगे आने वाले चंद दिन, यानी आप समझें कि जो अगला हफ्ता है, अगले हफ्ता वो होगा जिसके दौरान इमरान खान साहब ने निकलना है रशिया, ठीक और है जब ठीक है रशिया निकलना है तो दौरे पे तो ये एक्सट्रीम टेंस होगा, सही हो गया डॉक्टर साहब, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। पीक पे होगा, क्योंकि इसी दौरान जो है वो मुलाकात ब्लिंकन और लेवरॉफ के दरमियान होने का, एक एक यानी अभी तक डिप्लोमेसी जंग तो शुरू हो गई है, झड़पें शुरू हो गई हैं, लेकिन वो डिप्लोमेसी नहीं यूक्रेन के रुकी अंदर है। ठीक है सर, ब्रेक ले जी लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके बात करेंगे खिते के मामलों पर मजीद आपसे। नाजरीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन जी। डॉक्टर साहब, यूक्रेन की सूरत हाल पर, मौजूदा सूरत हाल पर बात कर रहे थे आप, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी, देखिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पहली बात तो ये कि ये कुछ तवक्को से ज्यादा खराब हो गया मामला, तमाम का तमाम, जिसको आप कहें कि जो जिसकी तवक्को हो रही थी कि
कि ये खत्म हो जाएगी, डीएस्केलेट हो जाएगा मामला, ये मामला डीएस्केलेट नहीं हुआ और ये मामला जो है ये एस्केलेशन की तरफ चला गया है। यानी एस्केलेशन से मुराद ये है कि 1,90,000 फौज वो कह रहे हैं कि यूक्रेन के बॉर्डर्स पे है और यूक्रेन के दो हिस्सों में, जो कि एक हिस्सा जो कि प्रो मॉस्को है मशरिकी और एक मगरबी जो कि प्रो वेस्ट है, उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो गई है, ठीक है, जो दोनबास का इलाका है। और ये उनके रहनुमाओं ने कहा है कि वो मॉस्को चले जाएं, जो ईस्टर्न यूरोप में रहने, ईस्टर्न यूक्रेन में रहने वाले लोग हैं यानी जो प्रो रशिया लोग हैं वो मॉस्को चले जाएं, इसका मतलब है कि वहां पे बड़ी जंग का खतरा है। अच्छा, दरमियान में फॉल्स फ्लैग का जिक्र भी हम सुन चुके हैं कि फॉल्स फ्लैग हो सकता है कि जो कोई अटैक कहीं किया जाए और कहा जाए कि ये एक मुल्क कहे कि जो है ये खुद ही करवा दे और वो कहे कि दूसरे मुल्क ने किया, और ये सारे सारा भी इशू चल रहा है सारा। असल जो बात है वो ये है कि इसकी शॉक वेव्स कहां तक जा रही हैं, पूरे यूरोप, पूरे मिडिल ईस्ट और पूरे पूरी दुनिया और तमाम का तमाम जो इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक में तो 100% जा रही है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि वहां पर मैंने आपसे पहले भी बात की कि चाइना के लिए कोई इशू नहीं है कि चाइना इसको ड्रैग करे। होता यह है कि जब जंगें खिंच जाती हैं ना, जंगें जब तूल पकड़ जाती हैं, लंबी हो जाती हैं, हफ्ते में खत्म होनी है, टेंशन नहीं खत्म हुई, महीने खिंच गई, 2 महीने, ये 1 साल हो गया तकरीबन ये यूक्रेन की टेंशन डेवलप होते यहां पहुंची है बात। तो अब मसला यह है कि इसमें इसका असर कहां जाएगा, इसका असर जाएगा तमाम के तमाम मिडिल ईस्ट में, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर माशी तौर पे नहीं, फौजी तौर पे, मिलिट्री के तौर पे रशिया मौजूद है। हम माशी तौर पे तो कहते हैं ना बेल्ट एंड रोड एक है, चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाइना ये कर रहा है, लेकिन रशिया की, रशिया जो है वो एक मिलिट्री पावर के तौर पे सीरिया में मौजूद है, उनकी बेसिस हैं, दे मीन बिजनेस, ठीक है, उनकी उनका जो बिजनेस है, मतलब जाहिर है बिजनेस से मुराद ये कि वो अपनी पावर प्रोजेक्शन चाहते हैं। जी एग्जैक्ट, फौज की, कल भी मैंने आपसे कहा ना कि इस दरमियान के मरहले पे वो प्यूटिन जो है वो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स जदीद तरीन, वो गायबन मुझे नहीं पता हाइपरसोनिक से क्या है, लेकिन वो उसको उसका तजर्बा करने जा रहे हैं दरमियान में, एक मजीद एक मैसेज है। अच्छा, अब इस पूरे पिक्चर में इसकी शॉक वेव्स जो है वो यकीनन मिडिल ईस्ट तक जाएंगी, और मिडिल ईस्ट तक जाएंगी इसकी शॉक वेव्स, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा प्लेयर है रशिया, प्लेयर इस सेंस में बन चुका है कि रशिया के साथ चाइना भी है, तो रशिया चाइना को कहीं हेल्प कर रहा है, कहीं चाइना रशिया को हेल्प कर रहा है। अगर यूक्रेन के अंदर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट्स हैं, सब कुछ है, चाइना जाहिर बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के हवाले से जरूरी है, लेकिन ये भी तो मुमकिन है ना कि यहां पर इंगेजमेंट ज्यादा हो जाए तो उसको चाइना खामोशी से देखता रहे कि ठीक है एंगेज कैसे करता है प्यूटिन। और दूसरी बात यह कि रशिया में रिजीम चेंज हो जाए, रिजीम चेंज हो गया, अगर जेलेंस्की की गवर्नमेंट हट गई, जो जेलेंस्की की गवर्नमेंट अगर हट गई तो दूसरी गवर्नमेंट अगर कोई वहां पर आ जाती है, जिसके लिए अमेरिका ये वेस्ट पहले ही कह रहा है कि जी बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी वो अपने साथ मिला चुके हैं प्यूटिन, तो फिर तो यूक्रेन से, यूक्रेन की गवर्नमेंट पर मॉस्को हो जाएगी। तो ये अब देखना ये है कि वो यूक्रेन के अंदर इवेंट्स क्या होते हैं आने वाले दिनों में। फिर दूसरी बात ये है कि देखिए इसका मैसेज जो जा रहा है, मैसेज ये जा रहा है कि अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता, अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता कि यहां पर किसी भी तरह से यूरोप को लूज करे। यूरोप के अंदर ऑलरेडी ट्रंप दौर के अंदर जो है वो यूरोप को अमेरिका ने यहां पर अमेरिका यूरोप से, और ट्रंप तो एक हद तक तजी करने पे आ गए थे कि जी आप हमें पैसे दें, हम आपकी फौजें हमारी आपके होती हैं, हमें पैसे क्यों नहीं देते, खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा, ये करेगा वो करेगा। तो यूरोप बड़ी मुश्किलों से दोबारा, प्रेसिडेंट बाइडेन ने यहां पर अपना एक रोल यूरोप के अंदर प्ले करने की कोशिश की, उसके बावजूद जर्मनी बीच में इधर उधर हो रहा है, उसमें फ्रांस इधर उधर हो रहा है, बाकी मुल्क इधर उधर हो रहे हैं। तो अब ये बड़ा वाइटल है अमेरिका के लिए कि अमेरिका यहां पर अपनी मुकम्मल प्रेजेंस रखे। एक तो उनके वहां, पहले मैंने आपको बताया कि वहां पे थिंक टैंक्स के अंदर भी एक प्रो एक है जो एंटी रशियन एस्टेब्लिशमेंट है, एक वो है जो एंटी चाइना है, तो वो कहते हैं नहीं पहले रशिया इशू है, यूरोप नहीं जाना चाहिए, दूसरे कहते हैं नहीं उधर इंडो पैसिफिक को बचाओ, तो ये आपस में भी वहां पर क्लैश चल रहे हैं। इवन थिंक टैंक्स में, डिस्कशन में बहुत कम जगहों पर इस वक्त चाइना डिस्कस हो रहा है, ज्यादा यूक्रेन 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 यूरोप प्यूटिन यूरोप प्यूटिन ये सारा डिस्कस। अच्छा, इसमें जो असल बात यह है कि इसमें जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है ना, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी एक तो ये कि इमरान खान साहब का जो विजिट है, आर्मी चीफ का विजिट है, अगर चाइना अमेरिका का होता है उसको देखते हैं कि क्या रिजल्ट सामने आते हैं, और इमरान खान साहब का जो विजिट हो रहा है मॉस्को का, ये मॉस्को का जो विजिट है एन उस वक्त पे हो रहा है, अभी तक जो खबरें हैं वो ये हैं कि जब ये अगले हफ्ते ये एक तो तलखी अरूज पे होगी, क्योंकि ब्लिंकन और लेवरोव की मुलाकात जाहिर तभी होगी सेक्रेटरी स्टेट की और फॉरेन मिनिस्टर की जब के मामलाते खास नहज तक पहुंचे होंगे, और तलखी होगी, ये भी हो सकता है कि मीटिंग कैंसिल हो जाए,
ड्यूटी है वो ये कह रहे हैं कि हमें तहरीरी जमानतनामा चाहिए कि यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे नहीं, नेटो वापस जाएगा, नेटो पीछे हटेगा, नेटो ही हमारे बॉर्डर्स पे नहीं आके बैठेगा, वो कह रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो पोलैंड, और मैंने कहा ना आज सेक्रेटरी जो डिफेंस सेक्रेटरी जनरल ऑस्टिन लॉयड वो पोलैंड में, तो वो पोलैंड में मौजूद है, पोलैंड को उन्होंने और 250 बिल्कुल जदीद तरीन एब्राहम टैंक्स उन्होंने दिए हैं वहां पे। तो अब इस पूरी पिक्चर के अंदर जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विजिट है वो बड़ा वाइटल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें एक तो गालिबन ये जो गैस की पाइपलाइन है उसके ऊपर आगे पेशरफ्त होने जा रही है, और वो गैस की पाइपलाइन है वो ये है कि जो तापी के नाम से हम कहते हैं, ठीक है ना, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। अब उसमें पाकिस्तान से इंडिया तक है तापी है या उसने ताप रहना है यानी पाकिस्तान तक एंड हो जाना है, लेकिन ये कि उसमें देखते हैं। बहरहाल इनिशियल जब ये स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट तो ये तापी का जो प्रोजेक्ट था इसमें अमेरिकन बड़े एक्टिव थे उस वक्त, और ये उस प्रोजेक्ट पे बात होती है या कोई दूसरा तरीका बनता है उनके साथ रशिया के साथ एनर्जी पाइपलाइंस का, लेकिन बहरहाल एनर्जी के ऊपर बात मुतवक्को है। दूसरा जो मामला है वो पाकिस्तान अपना बैलेंसिंग एक्ट किस तरह, बैलेंसिंग पोस्चर किस तरह दुनिया के सामने लेकर आता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर रशिया में है और हमारे जो चीफ है वो अमेरिका में है या वेस्ट में है, तो किस तरह से पाकिस्तान आगे चलेगा। अभी तक तो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो बैलेंसिंग एक्ट पाकिस्तान का बहुत अच्छा रहा है, जी चाइना के साथ बिल्कुल भी हम हैं और हम वेस्ट के साथ भी अपना, लेकिन मैंने आपसे ना कमिंग डेज के अंदर जैसे टर्की का इशू आ रहा है कि फर्स्ट से नेटो का मेंबर है और उनको ईयू के अंदर दाखिल नहीं होने दिया, और बहुत जो है वो टर्की को खराब भी कहा गया पिछले चंद सालों में, लेकिन आप देखेंगे टर्की जो है उसकी जरूरत पड़ गई इस वक्त अमेरिका को, और गुडी गुडी भी हो सकता है वो वेस्ट में अचानक पता चला कि तुर्की जो है उसकी बड़ी मेन पोजिशनिंग हो गई। टर्की ने और यूए आप देखें कि अपने ताल्लुकात बेहतर किए हैं चंद गुजरे दिनों में। फिर ईरान का मामला जो है वो फिर खटाई में पड़ गए, और अगर ये नहीं 24 घंटों में हो सकता है अगले एक दो दिन में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाए ईरान का, और ईरान का जो एग्रीमेंट है वो साइन हो जाए अभी एक आध दिन के अंदर, क्योंकि यूक्रेन का मामला आगे चला गया तो इसलिए ईरान का पीछे चला गया, लेकिन ईरान का अगर अगर मामला हो जाता है यानी उनके ऊपर से पाबंदियां हट जाती हैं, तो ये यकीन जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके लिए ये मामला बड़ा अजीब सा होगा कि भाई एक मिनट, एक तो आपने ईरान के साथ जो है वो माहदा बहाल कर दिया, दूसरा उनके हुतीज हमले कर रहे हैं, तो अमेरिका सकिन उसको होना पड़ेगा मिडिल ईस्ट के अंदर भी, उधर वो माली से निकाल लिए फ्रांस ने अपने लोगों, वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गया है तो वहां पर कौन जगह लेगा, क्योंकि साहिल। अच्छा ये मैं आपको बताऊं, ये रशिया के साथ जो खत्म करना है ना सेंक्शन लगाना, टाइटेनियम का दूसरा बड़ा जखीरा है दुनिया में, ये जो रेयर मिनरल्स ये रिटायर्ड रशिया में मेटल है, जी रशिया में, बेलारूस, ये जो सारे इलाके हैं ना का, और दो जगहों पे वो कामयाब, दो जगहों पे उन्होंने प्रॉपर कामयाबी हासिल की है, तो सीरिया को तो छोड़ दें, अब सीरिया में जो किया है सो किया है, लेकिन प्यूटिन ने आप ये देखे ना कि बेलारूस के अंदर, बेलारूस में उसने किस तरह से सेव किया है लुकाशेंको को, और उसने किसी तरह से मुजाहरे हो रहे थे लेकिन उसके बाद वो जहाज डाइवर्ट हो गए और पोलैंड के बॉर्डर क्राइसिस और बाकी सारा, और फिर आप ये देखें कि कजाकिस्तान के अंदर किस तरह सीएसटीओ ने प्ले किया है, ये भी क्या हफ्ते के, एक ही हफ्ते के अंदर अंदर कजाकिस्तान को वो निपटा के आ गया सीएसटीओ का जो चाप था पूरा प्यूटिन, तो ये प्रेजेंट प्यूट। और फिर आर्मेनिया, अजरबैजान, देखिए बीच में वहां पे पीस कीपर्स के तौर पे वो मौजूद हैं, तो देखना ये है कि वेस्ट जो है वो किस हद तक, अगर यहां ज्यादा स्ट्रेच हो गया, अगर यूरोप में ज्यादा स्ट्रेच हो गया, ये हफ्ता 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन और खिंच गया, इस बात के बहुत इम्कान हैं कि वहां पे ताइवान के, वहां पर साउथ चाइना सी के अंदर कोई वाकया हो, ठीक है, सही क्योंकि इस क्योंकि क्योंकि उसकी वजह यह है कि चाइना अपने क्लाइंट के तहत आगे चल रहा है, और चाइना ये भी देख रहा है कि यार एक मिनट ठहर जाओ, ये तो प्यूटिन, ये तो मतलब जाहिर है कि प्यूटिन ने वही पुराने कोल्ड वॉर में उलझ गए, तो ये कहां से यहां पर आएंगे और कहां से अपने ये, मतलब जब जब ये यूरोप के साथ और अपने उन मुल्कों के साथ जिनके साथ बहुत ज्यादा कल्चर या जहां पर आप समझ लें कि जमाने और साथ उनको नहीं बचा सक रहे और उनके साथ गड़बड़ कर गए, तो फिर ये यहाँ के फिलीपीन और जापान और ये और वो, इनको कहाँ से बचाएंगे जो वहां के मुल्क वो भी देख रहे हैं सारे। तो मेरा ख्याल है कि ये कमिंग डेज बड़े इंटरेस्टिंग है, और इस इन इंटरेस्टिंग डेज में पाकिस्तान की, पाकिस्तान बैलेंस कैसे करता है, और पाकिस्तान का इंटरनल टर्मोइल तो देखें, ये पॉलिटिकल टर्मोइल तो मैन मेड पॉलिटिकल टर्मोइल है, बदकिस्मती के साथ इस वक्त पाकिस्तान को बात ही करनी चाहिए थी कि जी
अच्छा है कि हमारा इंडिया के साथ, चलें शुक्र खुदा का कि वो इंडिया के साथ एक सीज फायर इस क्लैशेस वक्त कम हुआ हो हुआ है, रहे हैं, वो बहुत अच्छी बिल्कुल बात है, क्लैश नहीं हो रहे, बातचीत हो रही है किसी लेवल पे, वो अच्छा हो रहा है सारा। फिर उसके बाद ये, लेकिन लेकिन असल जो इश्यूज है ना वो ये है कि ये इस वक्त क्योंकि पूरा एक ऑर्डर या डिसऑर्डर दुनिया का उलट पुलट हो गई है, ताइवान से कहीं पर उधर से इंडो पैसिफिक, लेकिन अब प्रेसिडेंट ये सॉरी ब्लिंकन ने पूरी कोशिश की कि इसमें वो जाएं, इंडो पैसिफिक पॉलिसी भी उन्होंने रिलीज की अपने 12 सफात पे मुश्तमिल और वो सारा, लेकिन तवज्जो नहीं, वो उस पर डिस्कशन ही नहीं कहीं हुआ कि इंडो पैसिफिक में क्या लिखा हुआ है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी क्या है, क्या उसमें उस सारे डिस्कशन इधर चला गया यूक्रेन पे। ये और यूक्रेन को मेरा ख्याल है जो भी नाजरीन के प्रोग्राम देखते हैं दुनिया में, दुनिया भर में, वही बात जानते हैं कि हम उसकी इसको इन डेप्थ डिस्कस कर चुके हैं। टर्किश सर हिस्ट्री क्या बिल्कुल थी, कबाड़ बिल्कुल, क्या थे, यहाँ पे कैसे आबाद हुए, स्टालिन की क्या हिस्ट्री थी, सर हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। और हमेशा ये होता है कि जब भी आपने किसी जगह की वॉर को समझना हो, आपको वो कहते हैं ना फ्यूचर समझने के लिए पास समझना चाहिए, तारीख में और जाना पास पड़ता है। समझने के पास समझेंगे तो प्रेजेंट का फैसला करेंगे। हाँ तो मतलब फ्यूचर के लिए पास्ट और फ्यूचर के प्रिडिक्शन करने के लिए पास समझना चाहिए, और प्रेजेंट में क्या करना है आपने उसको समझने के लिए पास को समझना है। तो बारह ये आपस में सारा इंटरलिंक्ड होता है। तो अब इश्यू ये सारा कि अब ये तलखी तो बढ़ गई, इस तलखी के दौरान जो है मिडिल ईस्ट में, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि अस्करी तौर पे, फौजी तौर पे, ये आप आने वाले दिनों में आपको ये लिंक्स नजर आएंगे कि ये जो बेसिस हैं, जो बेसिस की बात होती है ना कि बेसिस, यहाँ पे बेस, वहां पे बेस, यहाँ पे फौजी मौजूदगी, वो कई शक्लों में होती है। वो सबसे ज्यादा जिस शक्ल में होती है, जिसको आप कहते हैं कि जी वो जिसको लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वो पीस कीपर्स भी होते हैं। ये दुनिया में जो हाइब्रिड वॉर और ये सारा हम जब ग्रे जोन में करते हैं ना, तो फौजी प्रेजेंस जो होती है वो पीस कीपर्स की सूरत में भी होती है, कि पीस कीपिंग ट्रूप्स के तौर पे कौन सी ट्रूप्स, कौन सी फौजी मौजूद हैं। वो पीस कीपर जो होते हैं वो होते हैं तो फौज, एक्चुअली फौज होती है ना, तो फौज के लोग ही वहां पर एक तरह से आप समझ लें कि होते हैं वो पीस कीपर्स ही हैं, लेकिन वो एक तरह से उनकी बेस बन जाती है। फिर वो उस जगह की पूरी पूरा उस जगह का जायजा लेते हैं, फिर पूरा उस जगह के काम, उधर अच्छा आबादी कैसी, ये वो सारा फैसिलिटेटर होती तो फौज है, और फौज सिर्फ वहां पे जो है वो पीस कीपिंग के लिए लोगों को खाना वाना खिलाने या पुल बनाने या गांव बसाने के लिए तो नहीं जाती दुनिया भर में। तो अब ये कि ये जो देखना इश्यू इसमें ये है कि एक तो गवर्नमेंट्स चली गई अपनी जगह से, यानी ये अफ्रीकन यूनियन वाले भी सारे यहाँ पर आए हुए थे यूरोप में, उनकी बड़ी अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीका कैओस का शिकार है, उनकी मीटिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और यूरोप ने ही भुगतना है जो कुछ आगे अफ्रीका में हुआ, क्योंकि उनके साहिलों के उस तरफ ही अफ्रीका है, इस तरफ ये है, दरमियान में मेडिटेरियन आता है, और लोग तैरते हुए कोशिश करते हैं ग्रीस के साइलों पे लैंड हो जाए, कहीं और साइलों पे लैंड हो जाए, तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इमिग्रेशन का इश्यू बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। ये चाहते हैं कि किसी तरह से वहां का अफ्रीका का इश्यू रिजॉल्व हो। अफ्रीका के इश्यू को रिजॉल्व होने के लिए यूरोप को चाइना की जरूरत पड़ेगी, चाइना की और रशिया की जरूरत पड़ेगी कि वहां पर क्राइसिस क्रिएट ना हो, जिसके नतीजे में बहुत ज्यादा लोग वहां से यूरोप आने शुरू हो जाएं। अच्छा, जो हमारे साउथ एशिया के लोग हैं, पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश, श्रीलंका, वो भी जो बाहर रहते हैं वो भी देख रहे हैं कि जी आहिस्ता आहिस्ता पिछले चंद सालों में उन्होंने नोट किया होगा कि बहुत सी जगहों पे जहां पर इंडियंस काम कर रहे होते थे या जहां पे पाकिस्तानी काम कर रहे थे, बांग्लादेश के लोग काम कर रहे थे, वहां पे ग्रेजुअली पहले तो ये हुआ कि वहां पे अफ्रीका के लोग आने शुरू हो गए, कहीं हाँ सोमालिया के लोगों, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये हो गया अरब, बहुत ज्यादा अरब तो पहले भी थे, लेबनान वगैरह के थे, लेकिन फिर सीरिया के लोग आने शुरू हो गए, सऊदी लेबन मिलने शुरू हो गई। तो इसी तरह से अगर क्राइसिस वहां क्रिएट होते हैं तो उसका नतीजा बराह रास्त जो आपके जो बाहर रहने वाले पाकिस्तानी हैं या इंडियंस हैं या बांग्लादेश के लोग हैं उन पे है, और सबसे ठीक ज्यादा है। अफ्रीकन होगा। तो अफ्रीका का टर्मोइल अगर वहां पे माली में या वहां पर आप समझें कि अल्जीरिया में, और वहां तो जुबान ही नहीं बोली जाती है ना, फ्रेंच सही हो बोली गया, जाती बहुत है, शुक्रिया टैमिल, डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का जी वक्त खत्म हो तो रहा है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया चलिए नाजरीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दोनों वहां के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।